हेलो एंड वेलकम बैक डॉट टू टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 7। आज हम देखेंगे ग्रुप्स को अनुक्रम पद्धति से कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फिक्चर आईडी जो है अनुक्रम पद्धति से है 1 से लेके 8 तक। उसी तरह आप यहाँ पर लेआउट व्यू में भी देख सकते हैं हमारे जो फिक्चर्स है अनुक्रम पद्धति से है 1 से लेके 8 तक। आज हम देखेंगे कि हमारे फिक्चर्स को अनुक्रम पद्धति से कैसे हम ग्रुप में स्टोर किया जा सकता है। उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह हम सारे फिक्चर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है और दूसरी तरह हम कमांड लाइन के थ्रू सिलेक्ट किया जा सकता है फिक्चर 1 through 8। प्लीज जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्चर 1 through 8 यानी 1 से लेके 8 तक सारे फिक्चर सिलेक्ट हो जाएंगे। हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर यहाँ पर, और हम इसे नाम भी दे सकते हैं ऑल स्पॉट्स इस तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी इसका ग्रुप बना दिया है और दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर आप कोई अनुक्रम पद्धति छोड़ देंगे तो उसका जो फिक्चर सिलेक्शन है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस तरह भी सिलेक्ट किया जा सकता है और जैसे कि देख सकते हैं हम अभी सीक्वेंस और अनुक्रम पद्धति से अभी हमने किया नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसी ग्रुप को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। हमारे ग्रुप्स को देखने के लिए हमें यहाँ नेक्स्ट बटन की सहायता से हम देख सकते हैं और अलाइन बटन की सहायता से भी हम देख सकते हैं कि वो अनुक्रम पद्धति में है या नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे सारे स्पॉट्स हम सेलेक्ट करते हैं, अभी आप देख सकते हैं हम ये सारे अनुक्रम पद्धति में है या नहीं नेक्स्ट बटन दबा के। उसी प्रकार से अगर आप देखा जाएंगे तो अभी ये वाला ग्रुप जो हमने बनाया है, जो हमने इसको अनुक्रम पद्धति से नहीं बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इसको नेक्स्ट करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे और ये आगे पीछे हो गया है। इसी प्रकार से आप ग्रुप्स को जो है अनुक्रम पद्धति से बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 3D में भी अभी मैं इन सारे ग्रुप्स को अभी सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ग्रुप्स को उसी तरह ये देखिए अब ये सारे जो फिक्चर्स हैं आपकी ये अनुक्रम पद्धति में है। जैसे कि अब मैं इस वाले ग्रुप्स को सेलेक्ट करता हूं तो जब आप देख सकते हैं इस वाला जो ग्रुप है वो अनुक्रम पद्धति में नहीं है। इस तरह अनुक्रम पद्धति से बनाने से आपको ये लाभित होगी। जैसे कि आप अगर कोई एफएक्स बना रहे हो तो उसमें आपको एफएक्स बनाने के लिए सही तरीके से काम करे। जैसे कि आप देख सकते हैं डिमर इफेक्ट में ये है आपका डिमर इफेक्ट जो है अनुक्रम पद्धति से काम कर रहा है। अगर उसी तरह अगर आप इसे कोई अनेक प्रकार की तरह से आप सेलेक्ट करते हैं तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा और ये जैसे कि ये ऐसे काम करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनुक्रम पद्धति से सेलेक्ट करने से कैसे काम हो रहा है और अनेक प्रकार से सिलेक्ट करने से कैसे काम हो रहा है। जैसे कि अभी हम देखा है कि नेक्स्ट बटन के द्वारा सहायता से हम इसका सिलेक्शन अनुक्रम पद्धति में है या नहीं देखा गया। अभी हम देखते हैं अलाइन की सहायता से कि वो सीक्वेंस ऑर्डर में है या नहीं। जैसे कि हम देखते हैं अभी हमारे सारे फिक्चर्स को थोड़ा आगे लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी अलाइन करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हम मेरे सारे फिक्चर जो है अनुक्रम पद्धति से बनाया गया सेलेक्ट किया गया है, इसलिए ये सही तरीके से काम कर रही है। उसी तरह अगर हम सारे फिक्चर्स को अनेक प्रकार से सेलेक्ट करते हैं और उसको अलाइन करते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये किस तरह से पोजिशन पकड़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं अलाइन करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे फिक्चर्स जो है पोजीशन जो है अलग अलग तरीके से ले रही है। इस प्रकार से आपको पता चलता है कि अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार के तरीके से आप अगर फिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से काम करेगी। सो आपको आवश्यकता ये हो कि अगर आप हमेशा आप अपने फिक्चर्स को अनुक्रम पद्धति से सेलेक्ट करना चाहिए और ग्रुप अनुक्रम पद्धति से बनाना चाहिए, इसकी आवश्यकता यह है। मैं आशा करता हूं ये ग्रुप्स आपको सहायता होगी आपके प्रोग्रामिंग में। धन्यवाद।